Assalamu alaikum. Welcome to the e-learning classes, Swarup Public School. I am your physics teacher, Faika Fazal. Today we will discuss the chapter number 5, gravitation, and this is the part 3rd of this chapter. Now we start the chapter number 5. जी स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का पेज नंबर 135 है और टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड. आज हम सीखेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये क्या होती है. फील्ड जो है, ग्रेविटेशन को तो हम डिस्कस कर चुके हैं. फील्ड हमारे पास एक रीजन को कहते हैं, जो हमारे पास एरिया, आप कहें रीजन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं. आप इसको समझने से पहले जो है हम लोग जो है थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने उसको ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा. अगर स्टूडेंट्स आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि अगर आप किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या जो है रिपेल करता है, तो आप जब उस मैग्नेट के करीब लाते हैं तो आपको वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो फील होती है. हालांकि वो अभी जो है वो मैग्नेट से काफ़ी फासले पे होता है, थोड़े दूर होता है, डिस्टेंस पे होता है, लेकिन वो एक फ़ोर्स आपको फील होती है. तो जिस एरिया में आपको फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होना शुरू हो जाए, उस रीजन को हम लोग जो है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. जहाँ पे मैग्नेट अपना जो है वो काम करना, उसकी फोर्स जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है. बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारे पास फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, जहाँ पे हमारे पास जो है वो दो ऑपोजिट या दो जो है हमारे पास सेम चार्जेस जो हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो फील करते हैं, तो उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसी तरह से बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड का. अभी हमने जो है लेक्चर नंबर 1 में ये सीखा था कि न्यूटन ने हमें आइडिया दिया लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, और उसने ये हमें बताया कि इसका हमारी इस पूरी यूनिवर्स में जो है हर बॉडी के बीच में जो है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है. अब चूँकि ये जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है स्टूडेंट्स, तो ये जो है न्यूटन जो है ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया कि ये जो फोर्स है ये कैसे एक्ट होती है, किस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे को जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील कर पाते हैं. तो इसका जो आंसर है वो फिर हम समझने के लिए जो है साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्क्राइब किया, और ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जो आप लोग आगे इंशाल्लाह 10th क्लास में स्टडी करेंगे. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट से जो है दोनों कॉन्सेप्ट सेम हैं वहाँ पे, और इसमें इस फील्ड में जो है सेम कॉन्सेप्ट चलते हैं. आगे हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैसेस क्रिएट अ ग्रेविटेशनल फील्ड इन स्पेस. ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जितने भी मैस हैं वो स्पेस में अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर लेते हैं. अच्छा, ये चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड जो है अर्थ के बाहर एक रीजन है, एक फील्ड है, जहाँ पे तमाम किस्म के जो बॉडीज़ हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं या प्लैनेट्स हैं, ज़ाहिर है अर्थ के बाहर तो प्लैनेट्स होंगे, स्टार्स होंगे, मून होगा, तो ये जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं वो एक फोर्स जो है वो फील करते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड. ये इसी की बात की. सिमिलरली चार्ज ऑब्जेक्ट्स जेनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जिस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जो कि अर्थ के अराउंड एग्जिस्ट करती है. अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इंटरेक्शन है बिटवीन अ मैस एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएटिंग बाय अदर मैसेस. At any point, Earth's gravitational field can be described by the gravitational field strength, abbreviated as G. The value of G is equal to the magnitude of the gravitational force exerted on a unit mass at a point. At that point, इनका क्या बताने का, ये जो इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास जो है क्या है, इंटरेक्शन है मैस के और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में.
जैसे इस जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हम लोग स्मॉल जी से शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है और वो जो हमारे पास ये जो स्मॉल जी जो है जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास सेम वैल्यू है। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, मतलब एक ही चीज़ है आपके पास, आप ये कह सकते हैं, या आप इसको ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है कॉन्सेप्ट इनका जो है बिल्कुल एक ही जैसा है। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने ये बताया है कि अगर हमारे पास ये अर्थ है और उसके अराउंड जो है ये रीजन जो है ये जो फील्ड है ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, और ये हमारे पास कोई भी मैस है, अगर जो है वो जो मैस है वो इसको इस रीजन के अगर अंदर होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है जो फोर्स है उसको फील करेगा ये, और ये जो हमारे पास इस जो जी की जो वैल्यू है, जी की जो डायरेक्शन होती है हमारे पास वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ये आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने बताई है कि जो हमारे पास स्मॉल जी की जो डायरेक्शन होती है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास टूवर्ड्स द अर्थ होती है। जितना ज़्यादा जो है हमारे पास ये मैस इस रीजन के अंदर अर्थ के करीब होगा या सेंटर ऑफ अर्थ के करीब होगा या इस रीजन के अंदर जितना ज़्यादा अर्थ के करीब होगा उतनी ज़्यादा जो है ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है ये स्ट्रांग होगी, और आपके पास जो है वो जो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना जो है वो हमारे पास ये जो फोर्स है ये कम होगी। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास ये आएगा स्मॉल जी इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। जब हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड कर देंगे मैस के ऊपर तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल जी जो है ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, इसलिए हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, क्या ये एक ही चीज़ है या इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब इस पैराग्राफ में हम ये डिस्कस करेंगे। कंसीडर करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है दैट इज़ फ्री टू एक्सेलरेट, जो कि फ्रीली जो है एक्सेलरेट कर रहा है एंड इज एक्टेड ऑनली बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके ऊपर जो सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ जो है एक ही फोर्स को फिलहाल जो है वो कंसीडर करेंगे जो कि हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ हमने ये सीखा था कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था। उसी से अगर हम लोग एक्सेलरेशन की अगर हम लोग वैल्यू बाहर निकाल दें फाइंड आउट करना चाहें तो वो जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बन जाएगी ए इज़ इक्वल टू एफ बाई एम। एज सीन अर्लियर जी इज़ डिफाइंड एज एफ ओवर एम वेयर एफ जी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन्होंने जो है ये कहा कि हम जो है पीछे जो है स्टडी कर चुके कि जी जो है वो हम लोग इसी पर यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि हमने अभी ये बताया कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कैसे आएगी जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड कर देंगे मैस के ऊपर। तो अब ये कह रहे हैं कि स्मॉल वेयर द एफ इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब इन्होंने ये बताया है कि अगर हम लोग जो है जी अगर इसको अगर जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी एफ जी ओवर एम। एफ जी जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर दिस रीज़न जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड ऑन द अर्थ सर्फेस। ऑल दो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड फ्री फॉल एक्सेलरेशन ऑल इक्वलेंट, यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है और फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो है वो उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो 9.8 ही होती है, एक ही चीज़ है ये। बट दे आर नॉट द सेम थिंग, समटाइम ये सेम थिंग नहीं होते, समटाइम ये एक ही चीज़ कंसिडर होगा। फॉर इंस्टेंट वेन यू हैंग एन एक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्प्रिंग स्केल यू आर मेजरिंग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिकॉज द मैस इज एट्रेस्ड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स टू द अर्थ सर्फेस देयर इज नो मेजरेबल एक्सेलरेशन। अब आप को ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो है फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल ली ये समझाने के लिए कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सम टाइम हमारे पास जो है वो एक चीज़ नहीं होते, मतलब एक ही हमेशा ये सेम कंसिडर नहीं होंगे। जैसे इन्होंने कहा आपको कि आप एक ऑब्जेक्ट को जो है वो स्प्रिंग स्केल के साथ जो है वो हैंग कर दें और अगर आप जो है वो उस और वो मैस जो है वो रेस्ट में होना चाहिए तो उस कंडीशन में आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास जो है इन्होंने ये बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन आपके पास जो है वो ग्रेविटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिगर जो 5.5 है इसको मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स अराउंड द अर्थ, ये डिफरेंट इन्होंने जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन को बताई है और हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रैपिडली डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज। डिस्टेंस का और ग्रेविटेशनल फील्ड का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ग्रेविटी जो है वो कम होगी, इन्वर्स एंड वाइस वर्सा इसको आप ले लें। उसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं कि वेयर चेंजेस विद लोकेशन। हम अब ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इस अर्थ पे जो है वो वेयर चेंज हो जाता है, जब हम लोकेशन चेंज करते हैं तो हमारा जो वेट है वो भी चेंज हो जाता है, ये कैसे होता है ये अब हम पढ़ते हैं। वी लर्न दैट द वेट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। हम ये पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 3 में कि हमारे पास जो वेट होता है W होता है उसका फार्मूला होता है mg मास इन टू ग्रेविटी विच इक्वल्स मास टाइम फ्री फॉल एक्सेलरेशन। वी कैन नाउ रीफाइन आवर डेफिनेशन ऑफ वेट एज मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब आप ये कह रहे हैं कि अब हम इस मास को जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के आस्पेक्ट से समझेंगे कि किस तरह से ये एक्ट करेगा। अच्छा जी, ये पेज हम 137 पे आ गए, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमें लिखा है, हमारे पास है कि न्यूटन का जो लॉ है, जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, हमें ये बताता है कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर और हमारे पास डिस्टेंस के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करती है, मास और डिस्टेंस दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल ली है कि इन्होंने एक टेनिस बॉल ले लिया जिसको इन्होंने जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और दूसरा जो है इन्होंने जो है वो मास ऑफ अर्थ लिया। इन्होंने दो मैसेस लिए, एक इन्होंने जो है वो टेनिस बॉल को लिया और दूसरा इन्होंने जो है वो मास ऑफ अर्थ को लिया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट उस जो टेनिस बॉल है उसको इन्होंने जो है वो MO का नाम दे दिया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, और वो जो हमारे पास दूसरा M जो इन्वॉल्व है यहाँ पे वो मास ऑफ अर्थ इन्वॉल्व है जिसको ME का नाम दे दिया है। और हमारे पास जी जो है, अभी इन्होंने ये बताया है कि अगर हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे वैल्यू तो किस तरह से बन जाएगा, FG इज इक्वल टू GMOME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो है टेनिस बॉल ले लिया, उसका जो मास है वो हमने MO कंसिडर किया, मास ऑफ द अर्थ ले लिया जिसको हमने ME कंसिडर किया, और मैं और जो रेडियस और जो डिस्टेंस है हमारे पास इस बॉल का और ज़मीन तक का जो डिस्टेंस है वो हमने रेडियस कंसिडर किया, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये जो इक्वेशन है हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ FG बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम लिखना चाहें तो वो कैसे होगी, जो कि हम पढ़ के आए हैं कि हमने जो न्यूटन का सेकेंड लॉ था F = ma होता है। यहाँ पे हम लोग चूँकि ग्रेविटी को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को जो है हम लोग ड्यू टू ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जी लिखेंगे। एंड वी नो दिस W = F एंड दिस इज इक्वल टू m0g। ये जो W की वैल्यू है, जो हमारे पास वेट होता है वो m0g होता है और W हमारे पास जो है वो फोर्स होती है। अब चूँकि हमारे पास जो है ये जो राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इस दोनों इक्वेशन का सेम है, हम दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, MOG इज इक्वल टू GMOME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। ये MO जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो है ये बिल्कुल ऊपर का जो बिल्कुल जो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने जो है वो सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है वो डेरिवेशन की थी। अभी जो हमारा सेकेंड लेक्चर था वो हमारे पास जो है हमने उसमें मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट किया था। ये जो हमारे पास डेरिवेशन है ये यहाँ तक जो है बिल्कुल वही है, बल्कि सारी जो है डेरिवेशन वो मास ऑफ अर्थ तक ही है। हमने जो है मास ऑफ अर्थ में ये जब इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, फिर हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया था ताकि हमारे पास जो है वो मास ऑफ अर्थ आ जाए।
यहाँ पे हमने चूँकि जी की स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ तक इस इक्वेशन को जो है वो हमारे पास ये जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी, एम नॉट यानी कि एम ओ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैस ऑफ द अर्थ है वो हम पीछे जो है फाइंड आउट करके आए सेकेंड लेक्चर में, दैट इज़ द 6 × 10⁻²⁴ kg। रेडियस ऑफ द अर्थ हमें जो है वो पता होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट है, दैट इज़ द 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। एंड द कैपिटल जी की वैल्यू भी हम सीख चुके हैं और दैट इज़ दिस इज ऑल्सो द कांस्टेंट 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज़ को, ये तमाम कांस्टेंट्स वैल्यू हैं स्टूडेंट्स, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा तो आपने ये तमाम वैल्यूज़ खुद लिखनी है, इसलिए आपको ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो याद होनी चाहिए। ये तमाम जो कांस्टेंट्स वैल्यू हैं आप हम इस इक्वेशन 5.4 में पुट कर देंगे, तमाम हमने पुटिंग कर दी और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, हम लोग इन दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे स्क्वायर के साथ, 6.4 का स्क्वायर ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी जी की, दैट इज़ द जी इज़ इक्वल टू 9.77। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हम लोग जो हैं यही वैल्यू हम लोग अपने तमाम जो है वो न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है दैट इज़ द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें आपको पता चलेगा कि इन्होंने ये बताया कि जो इक्वेशन हमारे पास 5.4 है ये भी बता रही है कि जी जो है वो जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास दिस नॉट डिपेंड ऑन द मैस ऑफ द बॉडी, ये मैस ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है ये हमारे पास जो है ये मैस ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे बॉडी लाइट हो चाहे बॉडी हैवी हो, जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो सबके लिए तमाम किस्म की जो बॉडीज़ हैं उसके लिए सेम होगी। ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 में भी जो है वो डिस्कस करके आए थे, जिसमें हम लोगों ने जो है वो ग्रेविटी को जो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे पास पेपर और रॉक की हमने एग्ज़ाम्पल ली थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट एग्ज़ाम्पल, वहाँ पर हमने यही देखा था कि हमारे पास जो ग्रेविटी है वो चाहे हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे वो लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों सेम जो है दोनों की जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हैवी है चाहे वो ऑब्जेक्ट लाइट है, जो जी की वैल्यू है वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, दोनों के लिए जी की वैल्यू सेम रहेगी, यही इन्होंने बात जो है वो हमें बताई है। दिस इक्वेशन ऑल्सो शोज दैट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द मैस ऑफ द अर्थ, इन्होंने हमें ये बताया कि ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है कि जी की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है मैस ऑफ द अर्थ के ऊपर और जो है वो डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर। अच्छा जी, इस लास्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया इन्होंने कि हमारे पास चूँकि ज़मीन जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि कहीं से जो है ये आलमोस्ट कहा जाता है कि ये एग की फॉर्म में होती है जो हमारी अर्थ की शेप है, और कहीं पे जो है इस हमारी अर्थ पे माउंटेंस हैं, कहीं पे प्लेटूस हैं, कहीं पे प्लेन एरिया है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो जो है वो बदलता रहता है, ठीक है ना, वो चेंज होता है, तो जिसकी वजह से जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, जी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी प्लैनेट के मैस की वजह से और डिस्टेंस रेडियस ऑफ द जो आप जिस भी प्लेनेट पे हैं या डिस्टेंस है आपका आपकी लोकेशन से उस सेंटर ऑफ द प्लेनेट तक का जो डिस्टेंस है उसकी वजह से आपकी जो जी की वैल्यू है वो बदल जाती है। जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो वेरी करती है बिकॉज ऑफ द रेडियस और बिकॉज ऑफ द मैस ऑफ द प्लेनेट। और इसके बाद इन्होंने एक छोटी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर की है, उसमें इन्होंने हमें ये बताया है कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है ये थ्रू आउट द अर्थ जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये चेंज होती है, और जो हमारे पास जियोफिजिस्ट हैं वो इस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे ग्रेविमीटर कहा जाता है उसको यूज़ करते हैं, जी की वैल्यू जो है वो जहाँ पर भी चेंज हो जाती है तो वो उनको ये जो जी की वैल्यू है वो फाइंड उसकी थ्रू
जी की वैल्यू के थ्रू जो है वो ऑयल्स और मिनरल्स वगैरह जो है वो सर्च करते हैं ज़मीन के अंदर। तो जहाँ ऑयल एग्जिस्ट करता है वहाँ जी की वैल्यू जो है वो कुछ और होगी उस वैल्यू से जहाँ पे ऑयल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जी की जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस आस्पेक्ट से भी कि जो हमारे जितनी भी किस्म की जो ऑयल या जो भी मिनरल्स अर्थ से निकल रहे हैं वो इस जी की वैल्यू को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 5.3 जहाँ पे हमने जो है वो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है और इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। हमेशा स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स आप 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ रिक्वायर है। द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फ्री फॉल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द सन। आपको कह रहे हैं कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो है वो सन की सरफेस पे क्या होगी। फ्री फॉल एक्सेलरेशन मीन की जी की बात कर रहे हैं। एज द मैस ऑफ द सन इज़ 1.99 × 10⁻²⁰ सॉरी दिस इज़ द 30 दिस इज़ द 30 द मैस ऑफ द सन इज़ 1.99 × 10⁻³⁰ kg एंड हैविंग रेडियस 6.96 × 10⁻⁸ मीटर। रेडियस के साथ इन्होंने रेडियस मेंशन कर दिया है, मैस के साथ इन्होंने लिख दिया है कि मैस है ये, ठीक है ना। मैस ऑफ सन दैट इज़ डिनोटेड बाय m एंड द रेडियस ऑफ द सन इन्होंने दे दिया, रेडियस के साथ रेडियस मेंशन किया, मैस के साथ मैस मेंशन कर दिया। तो इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहती है स्टूडेंट्स। आपको मैस भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है और आपने जो है स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। और आपको इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए कि स्मॉल जी का जो है वो फार्मूला है कैपिटल जी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग जो है सन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मैस ऑफ सन है और रेडियस ऑफ सन है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू रिक्वायर होगी, दैट इज़ द कांस्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू दैट इज़ द 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तमाम वैल्यूज़ जो हैं गिवन है, पुटिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी 274 m/s². क्लियर हो गया आंसर। बहुत इजी है कैलकुलेशन करना, आप इसको खुद कैलकुलेट ज़रूर करें ताकि आपको कैलकुलेशन का तरीका आए स्टूडेंट। उसके बाद ये असाइनमेंट गिवन है, असाइनमेंट का गिवन मैं आपको बता देती हूँ और कैलकुलेशन आप लोग इसको खुद कर लें इसकी। एन एस्ट्रोनेंट ऑफ मैस 65 kg वेटिंग 637 N ऑन अर्थ इज़ वॉकिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून which has a mean radius of 1.74 × 10⁻⁶ meter and mass of 7.35 × 10⁻²⁰ kg. What is the weight of the astronaut on moon? What is the free fall acceleration at the surface of the moon? अब इन्होंने आपसे जो है ये दो चीज़ें डिमांड की हैं। एक इन्होंने स्मॉल जी की वैल्यू डिमांड की है आपसे और दूसरा इन्होंने कहा है कि वेट भी आपने फाइंड आउट करना है मून पे। ये जो इन्होंने आपको वेट दिया है ये अर्थ के ऊपर है। आपको अगर याद होगा स्टूडेंट्स, हमने ये जो है चैप्टर नंबर 3 में ये डिस्कस किया था कि वेट एंड मास बोथ आर द डिफरेंट। मैस आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहता है लेकिन वेट जो है वो चेंज होता है। अभी हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया वेट जो है वो चेंज होता है। तो वेट जो है वो हमारे पास अर्थ के ऊपर जो है इस पर्सन का जो है वो जो 65 ये मैस है और वेट इन्होंने दिया हुआ है दैट इज़ द 637। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास दिया हुआ है और आपने जो है वेट ऑफ जो है वो मून पे जो है वो वेट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो है आप सब ये फाइंड आउट कर लें, फ्री फॉल जो है एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें। उसके लिए आपके पास जो है स्मॉल जी के लिए आपके पास जो है वो मैस ऑफ मून होना चाहिए। मैस ऑफ मून आपको गिवन है और रेडियस ऑफ मून भी आपको गिवन है, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है। तो आप जी को फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके पास आपने जो है वेट को फाइंड आउट करना है तो वेट के लिए आप लोग जो है वेट का फार्मूला लगाएंगे दैट इज़ द डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो आपको चाहिए रिक्वायर्ड होगी
ग्रेविटी ऑफ मून जो कि आपके पास पीछे टेबल में गिवन थी, आप उसको यूज़ करते हुए जो है वो आप इसको कैलकुलेशन कर लें, आपके पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड का ये समझ आ गया होगा। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।